अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माय नेम इज़ डॉक्टर साजिद एंड आई एम हेयर टू गिव यू द लेक्चर ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियंस। आज जो हम बुक पढ़ेंगे वो है पेपर वन की बुक नंबर वन, फार्मास्यूटिक्स। आइए अपनी बुक को स्टार्ट करते हैं। पेपर वन, बुक नंबर वन, लेक्चर नंबर सिक्स। लास्ट टाइम जो हमने इसमें पढ़ा था उसको थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने पीएच से स्टार्ट किया था। व्हाट इज पीएच? पीएच इज द पीएच इन्वॉल्व टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। इसमें जो हमने देखा था कि एसिड होता है, फिर बेस होता है। जो एसिड है उसकी वैल्यू होती है फ्रॉम 1 टू 6, और जो 7 है वो न्यूट्रल होता है। फिर 8 टू 14 जो है वो बेसिक्स इन नेचर होता है। फिर इसको डिटरमिन करने के लिए हमने पीएच पेपर कहा था, पीएच मीटर कहा था, और पीएच इंडिकेटर भी होता है। ठीक है जी। और पीएच पेपर होता है कि वो आप एक पेपर होता है उसको सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, उसका जो कलर आता है वो हम लोग एक इंडिकेटर होता है जिसमें मुख्तलिफ कलर्स बने होते हैं, उसका मैच करते हैं। जिस कलर के साथ कलर मैच कर जाता है वो वाला उसका पीएच होता है। जो इंडिकेटर होता है उसमें क्या होता है कि बेसिकली कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसा सोल्यूशन होता है, वो सोल्यूशन को हम उस सोल्यूशन में डालते हैं तो सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। जो कलर सोल्यूशन का आएगा उसको हम उस रेफरेंस चार्ट के साथ मैच करेंगे, जो कलर होगा वो उसका पीएच होगा। और थर्ड वाला जो होता है वो हमारा पीएच मीटर होता है जिसके दो रॉड बने होते हैं। वो रॉड को हम सोल्यूशन के अंदर जब डिप करते हैं, वो डिप करने से क्या होता है कि उसके स्क्रीन के, मीटर के स्क्रीन के ऊपर पीएच लिखी हुई आ जाती है। इसके बाद हमने पढ़ा बफर। तो बफर एक ऐसा कंपाउंड मिक्सचर होता है जो के किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को चेंज नहीं होने देता। ठीक है जी। इसमें हमने मुख्तलिफ एग्जांपल्स भी बनी थी, जैसे HCl सोडियम सिट्रेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड बोरेक्स है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड एंड NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है। तो ये हमारे कुछ जो है वो बफर सॉल्यूशंस हैं। आइसोटोनिसिटी भी हमने थर्ड वन पढ़ी थी। द सॉल्यूशन इज प्लेस बिहाइंड अ मेम्ब्रेन दैट इज परमिएबल ओनली टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड नॉट टू सॉल्यूट मॉलिक्यूल। ऑस्मोसिस अगर एज अ मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्वेंट पासेस। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि आइसोटोनिसिटी क्या होती है, हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है। आज हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 विच इज डोजेज फॉर्म। अच्छा, यहाँ पर दो वर्ड लिखे हुए हैं। फर्स्ट वन इज डोजेज एंड द सेकंड वन इज फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है शक्ल। अच्छा, डोजेज का मतलब होता है कि एक दवाई को जब एक खास मकदार में दिया जाए उसको डोज बोलते हैं। ठीक है जी। जैसे आपने पढ़ा होगा ओमेप्राजोल 20 मिलीग्राम, तो वो एक खास मकदार जो है, एक खास चीज़ जो है उसको डोज बोलेंगे। और वो दी किस शक्ल में जाती है? ओमेप्राजोल मोस्टली कैप्सूल फॉर्म में आती है, आईवी भी होती है लेकिन मोस्टली कैप्सूल फॉर्म में दी जाती है। तो बोलेंगे कि ओमेप्राजोल की जो डोजेज फॉर्म है वो कैप्सूल है। ठीक है जी। आइए इसको पढ़ते हैं। फार्मास्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील विद द कन्वर्जन ऑफ NCE न्यू केमिकल एंटिटी टू द प्रॉपर डोजेज फॉर्म ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो न्यू केमिकल एंटिटी मतलब कोई भी केमिकल आपके पास जो आता है और उसका जो डोजेज फॉर्म होगी, ड्रग डिलीवरी सिस्टम होगा जिस जरिए से वो ड्रग आपकी बॉडी के अंदर जा रही है, जाके असर कर रही है,
उसको बोलेंगे ड्रग डिलीवरी सिस्टम, DDD सिस्टम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ डोजेज फॉर्म डिजाइन, इसको हम डोजेज फॉर्म के डिजाइन की साइंस भी बोलते हैं। फार्मास्यूटिक्स कन्वर्ट अ ड्रग इनटू अ मेडिसिन, अच्छा ड्रग में जो फार्मास्यूटिक्स है ये ड्रग को मेडिसिन बना देती है, ठीक है जी। कैसे मेडिसिन बनाती है, उसकी शक्ल को बदल के, उसकी मिकदार को बदल के, उसकी जितनी उसकी चीज़ें हैं जैसे टेस्ट है, फ्लेवर है, उसका कलर है, उसकी स्मेल है, इन सब चीज़ों को एक प्रॉपर SOPs के तहत बना दिया जाता है, उसे मेडिसिन बोलते हैं। अच्छा ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होगा, इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग और मेडिसिन टू द लिविंग सिस्टम फॉर देयर डिजायर एक्शन इन द बॉडी। इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन होता है किसी को कोई चीज़ लागू कर देना, किसी पर कोई चीज़ नाफिज कर देना या एडमिनिस्ट्रेट कर देना, उसको खिला देना, उसमें हल कर देना, मिला देना। तो इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग और मेडिसिन, एक ड्रग को या मेडिसिन को किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर, एक ड्रग को किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर दाखिल कर देना ताकि हमें हमारे मर्ज़ी के मुताबिक एक्शन फंक्शन, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नताइज हासिल हो सकें, इसको क्या बोलेंगे, ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है जी। अच्छा हमारी मर्ज़ी के जो एक्शन होंगे, जो नताइज होंगे वो क्या होंगे, क्योर, बीमारी का इलाज, बीमारी की मैनेजमेंट या बीमारी से बचना। मेडिसिन आर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, दे आर मीन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग ड्रग टू द बॉडी इन अ सेफ एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट मैनर। तो जो मेडिसिन होती है इसको हम ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि हम मेडिसिन को ही बॉडी के अंदर दाखिल करते हैं जिसके ज़रिए से हमें हमारे मतलूबा नतीजे हासिल होते हैं। डोजेज फॉर्म, डोजेज फॉर्म इज़ द फिज़िकल फॉर्म ऑफ अ डोज ऑफ ड्रग। डोजेज फॉर्म जो है ये किसी भी एक फिज़िकल फॉर्म होती है, एक ऐसी शक्ल होती है जो कि नज़र आ सकती है किसी भी ड्रग की। एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच इज़ रेडी फॉर द यूज़ ऑफ पेशेंट इज़ नोन एज डोजेज फॉर्म। और कोई भी ऐसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो रेडी हो और उसको पेशेंट इस्तेमाल कर सके उसको डोजेज फॉर्म बोलते हैं। या फिर एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच हैज़ डिफाइंड शेप एंड हैव प्रिस्क्राइब अमाउंट ऑफ API कॉल्ड डोजेज फॉर्म। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तैयार हुई हो, कोई भी ऐसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जिसकी शेप, जिसके अंदर एक ख़ास मकदार API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रीडियंट की मौजूद हो, उसको डोजेज फॉर्म बोलते हैं। डोजेज फॉर्म आर एसेंशियल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टिपिकली इन्वॉल्विंग द मिक्सचर ऑफ एक्टिव ड्रग कंपोनेंट और नॉन ड्रग कंपोनेंट। अच्छा ये जो डोजेज फॉर्म होती है ना, बेसिकली ये मिक्सचर होता है, इसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट होते हैं, मुख्तलिफ कंपोनेंट होते हैं जिनके ज़रिए से ये तैयार होती है। दो मेन कंपोनेंट इसमें हम लिखेंगे, नंबर वन API, नंबर टू नॉन API या दूसरी उसको बोलेंगे एडिटिव या एक्सीपिएंट्स। API क्या हो गया, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये वो वाला इंग्रेडिएंट हो गया API जिसके ज़रिए से हमें बीमारी का इलाज करेंगे हम। और साथ में होंगे एक्सीपिएंट, एडिटिव मतलब जायद कोई चीज़, एक्सीपिएंट मतलब जैसे चावल हम बना रहे होते हैं ना, बिरयानी घर में बना रहे होते हैं, तो मेन आइटम क्या होती है, चावल और गोश्त, लेकिन उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं जो उसके टेस्ट को बढ़ा देती हैं, जो उसकी खुशबू को अच्छा कर देती हैं, जो खाने में मज़ा देती हैं, ठीक है, जैसे बिरयानी मसाला, टमाटर, दही, ये वो सारा कुछ। तो इसी तरह इस API को बेहतर अंदाज में हल होने के लिए, बेहतर अंदाज में अपना असर जाहिर करने के लिए, बेहतर अंदाज में खाने पीने और हल होने में मदद करने के लिए हम लोग कुछ एडिटिव्स और एक्सीपिएंट्स भी डालते हैं, ठीक है जी। डोजेज फॉर्म के दो
मेन चीजें ये होती है। आइए पढ़ते हैं व्हाट इज एक्टिव इंग्रेडिएंट। ठीक है जी, एपीआई को एक्टिव इंग्रेडिएंट भी बोलते हैं। दिस इज द फार्माकोलॉजिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट अ मेडिसिन विच हैज द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होगा वो एक ऐसा इंग्रेडिएंट होगा जिसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन होंगे। फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब बीमारी का इलाज करने वाले, ठीक है, जैसे एस्प्रिन है, इंसुलिन है, डाइजॉक्सिन वगैरह है। नेक्स्ट है एक्सीपिएंट्स। नेक्स्ट क्या है? एक्सीपिएंट्स। अब एक्सीपिएंट्स की एक लंबी लिस्ट है, एक्सीपिएंट्स की एक लंबी लिस्ट है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। एडिटिव्स आर द सब्सटेंसेस अदर देन द एक्टिव मेडिकमेंट इन द फॉर्मुलेशन विच डोंट हैव एनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो एडिटिव या जायद चीजें, वो चीजें होती हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होते और उनका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी नहीं होता। दे आर यूज फॉर मैनी पर्पजेज, इनको बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर वन, टू गिव अ पर्टिकुलर शेप टू द फॉर्मुलेशन, ताकि हम किसी भी जो मेडिसिन है उसको एक ख़ास किस्म की शक्ल दे सकें। मतलब जैसे आपने देखा होगा जो गोलियां आती हैं वो कितनी शेप्स में आती हैं, कोई ऑक्टाहेड्रल होती है, इस तरह की शेप की भी गोलियां होती हैं, गोल शेप की भी होती हैं, चौरस शेप की गोलियां भी होती हैं, फिर कुछ गोलियां जो है वो ऐसे हार्ट शेप में भी होती हैं। तो कोई भी शक्ल देने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, और फिर उनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए भी। बाज़ का कुछ एपीएस ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादा देर स्टेबल नहीं रह सकते, तो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए भी हम लोग एडिटिव्स यूज़ करते हैं। टू इंक्रीज द पैलेटेबिलिटी एंड एलिगेंस ऑफ द प्रेपरेशन, तो उसकी जो एलिगेंस है, खुशबू है, रंगत है, पैलेटेबिलिटी है, उसको इंक्रीज करने के लिए भी क्या है, हम लोग एडिटिव्स यूज़ करते हैं। अच्छा, एडिटिव्स होते कौन कौन से हैं? एडिटिव में इंक्लूड सर्फेक्टेंट्स और डाइल्यूएंट्स, व्हीकल्स, बेसिस, स्टेबलाइजर्स, प्रिजर्वेटिव्स, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट्स। ठीक है जी, तो ये वाले क्या हैं? एडिटिव्स हैं। चलिए आइए अब हम इनको बारी बारी पढ़ लेते हैं। ये एडिटिव्स होते कौन कौन से हैं? अच्छा, जो व्हीकल है या सर्फेक्टेंट्स वगैरह हैं, अच्छा इनकी एग्जांपल्स क्या हैं और फिर ये करते क्या क्या हैं, आइए इनको अकेले अकेले पढ़ते हैं। व्हीकल्स, इट मे बी डिस्क्राइब एज अ मीडियम इन विच द इंग्रेडिएंट और फॉर्मुलेशन आर डिजॉल्व, सस्पेंडेड और डिस्पर्स। व्हीकल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें एपीआई या तो मिक्स होता है या हल हुआ होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अगर शरबत की, सिरप जैसे आप पीते हैं, अच्छा सिरप की बोतल इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी बोतल के अंदर सिरप मौजूद होता है, लेकिन वो सारे का सारा मेडिसिन नहीं होता, उसमें शुगर होता है, मोस्टली मीठा होता है ना, तो शुगर होता है, शुगर के अंदर मेडिसिन मिक्स की होती है। कितनी मिक्स की होती है वो लिखा होता है, बिल्फर्स क्लोरामफेनिकॉल है, तो क्लोरामफेनिकॉल 20 ग्राम होगा या 30 ग्राम होगा या 10 ग्राम होगा, जितना भी होगा वो उसके ऊपर लिखा होगा। अच्छा, वो शुगर के अंदर उतने ग्राम वो मिक्स हुआ होगा। ठीक है, तो व्हीकल जो है बेसिकली जो शुगर है या वो सिरप जो बना हुआ है ना, मीठा शरबत जो बना हुआ है, वो व्हीकल है जिसके अंदर मेडिसिन डाल के मिक्स करके हम पिला देते हैं। द व्हीकल इज जनरल वर्ड मे बी यूज फॉर लिक्विड, सेमी सॉलिड, सॉलिड। When a liquid is used to dissolve or suspend the medicament, the liquid is known as vehicle. अच्छा, अब इसमें vehicle आते कौन कौन से? Number one, water है, number two, aromatic water है, number three, water for injection है, number three, glycerin है, number four, propylene है, फिर glycol है, फिर oils है।
ठीक है जी। जैसे मैं आपको ये भी एग्जांपल दे सकता हूँ कि बाज़ूकात एक ड्रिप लगाई जाती है और उस ड्रिप के अंदर कुछ इंजेक्शंस मिलाए जाते हैं, ठीक है, और ड्रिप के साथ वो इंजेक्शन भी लग जाते हैं, तो बेसिकली वो जो ड्रिप हुई वो व्हीकल के तौर पे काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन अ सेमी सॉलिड और सॉलिड इज यूज इट इज़ नोन एज बेस। अच्छा, यही जो व्हीकल है जब इसको हम लोग सॉलिड में बात करेंगे तो व्हीकल का नाम बदल के बेस हो जाएगा। जैसे क्रीम आप लगाते हैं, यहाँ पे कुछ जल गया ना आपका हाथ स्किन वगैरह, तो उसके ऊपर क्रीम लगाई जाती है। अच्छा, अब क्रीम क्या सारी की सारी एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है? नहीं, वो बेसिकली उसके नीचे बेस होती है, बेस के अंदर जो है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट जिसने फ़ायदा पहुँचाना होता है, आराम देना होता है, वो मौजूद होता है। तो जब हम क्रीम को फैला देते हैं तो क्रीम के साथ साथ वो एक्टिव इंग्रेडिएंट भी फैल जाता है और हमें फायदा पहुंचाता है। इट इज नोन एज बेस इन विच द ड्रग इज इनकॉर्पोरेटेड आदर टू इंक्रीज द बल्क और टू गिव द पर्टिकुलर शेप टू द फार्मुलेशन। वो ये कह रहे हैं कि इसमें हम बेस बोलेंगे और बेस के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो हमें फायदा पहुंचाता है। जनरली दीज आर यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स एंड सपोजिटरीज, और आम तौर पर ये सपोजिटरीज और ऑइंटमेंट्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है। कॉमनली यूज ऑइंटमेंट बेसिस आर सॉफ्ट पैराफिन, जो आम तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं वो बेसिस वो हैं सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन, वुल फैट, वुल अल्कोहल और बीज वैक्स। जो सपोजिटरीज होती हैं उनकी जो बेसिस होती हैं वो होती है थियोब्रोमा ऑयल, ग्लाइसरोजेलेटिन, पोली इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तो ये वाली क्या है, ये कुछ स्पोस्ट्रीज की बेसिस हैं। अब व्हीकल और बेस आपको मुझे उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है डाइलुएंट। डाइलुएंट आर द इनर सब्सटेंस विच आर स्पेशली एडेड टू इंक्रीज द बल्क ऑफ द ड्रग और टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन। वो ये कह रहे हैं डाइलुएंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हम उस चीज़ को उसका बल्क बढ़ाने में इस्तेमाल करते हैं। बल्क मतलब वज़न बढ़ाने में, जैसे गोली है ना इतनी मोटी होती है, इतनी बड़ी होती है लेकिन जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट होता है वो 20 मिलीग्राम होगा, तो 20 मिलीग्राम इंग्रेडिएंट माइन्यूट सा इतना था, एक मतलब ज़र्रा ही होगा छोटा सा, ठीक है, मिलीग्राम में है ना, ग्राम तो फिर बड़ी होती है, तो मिलीग्राम बिल्कुल थोड़ा सा होगा, तो फिर गोली को बिल्कुल बिल्कुल छोटी गोली होगी वो तो खाई नहीं जाएगी, वो तो गिर जाएगी। तो फिर गोली को एक प्रॉपर शेप देने के लिए, उसका वज़न बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डाइलुएंट यूज़ करते हैं। द लिक्विड विच आर यूज एज अ डाइलुएंट मे बी स्पेशली यूज अ डाइलुएंट बट फॉर द ऑरल प्रिपरेशन वाटर इज द मोस्ट सूटेबल डाइलुएंट। अच्छा, ये जो डाइलुएंट होता है बेसिकली इसका बल्क भी बढ़ाता है और उसको फिर काम मतलब उसका काम भी करता है, और वाटर जो है मेन डाइलुएंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। सॉलिड डाइलुएंट आर इंक्लूडेड इन द फॉर्मेशन ऑफ पाउडर, ग्रैन्यूल, टैबलेट, कैप्सूल, वेयर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज द बल्क ऑफ अदर मटेरियल फॉर इजी कन्वर्जन टू प्रॉपर डोजेज फॉर्म। इंपॉर्टेंट ड्रग डाइलुएंट आर इनकॉर्पोरेटेड टू इंक्रीज द बल्क सो दैट कैन बी वेटेड इजिली, कॉलिन, लैक्टोर, स्टार, सॉर्बिडोल पाउडर, लैक्टोर ग्लूस। तो वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं वो कॉयलिन इस्तेमाल होता है, हमारे पास सेलुलोज इस्तेमाल होता है, लैक्टोज इस्तेमाल होता है, स्टार्च इस्तेमाल होता है, सॉर्बिटोल इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है बाइंडर। बाइंडर से आपको नाम से समझ आ रहा होगा, बाइंड करने वाला, जोड़ने वाला। अब हमने एक्टिव इंग्रेडिएंट भी ले लिया पाउडर फॉर्म में, अब हमने डाइलुएंट भी ले लिया पाउडर फॉर्म में, अब वो पाउडर जो है वो हम लोग मिक्स करेंगे तो पाउडर का पाउडर रहेगा। अच्छा, उसमें पानी भी डाल देंगे थोड़ा सा, वो ना कुछ बन जाएगा, लेकिन वो गोली जब बनानी होगी ना तो ऐसी गोली बने कि वो फिर जो है ना वो अलग ना हो वो पाउडर, तो उसके लिए हम लोग बाइंडर इस्तेमाल करते हैं। आप जितना मर्जी गोली को शेक कर लें, गोली टूटती नहीं है, गोली का पाउडर अलग अलग होता नहीं है, किस वजह से, इसमें बाइंडर इस्तेमाल होता है। तो बांस के अंदर बाइंडर बहुत टाइट होता है, वो बिल्कुल नहीं टूटते, बांस के अंदर बाइंडर कमजोर होता है, ठीक है। सब्सटेंस यूज्ड टू कॉज एडहेजन ऑफ पाउडर, पाउडर को आपस में जोड़ने के लिए जो सब्सटेंस इस्तेमाल होता है ख़ास करके टैबलेट के ग्रेन्यूल्स में, उसको हम बाइंडर कहते हैं। अब बाइंडर कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, अकेशिया,
सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, जेलेटिन, लिक्विड ग्लूकोज। तो ये वाले कुछ बाइंडर के नाम हैं जो इस्तेमाल होते हैं, जो आपको मैंने अभी बताए हैं। इसके बाद टैबलेट डिसइंटीग्रेंट्स, टैबलेट डिसइंटीग्रेंट्स टू प्रमोट टैबलेट ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पार्टिकल आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्च माइक्रोक्रिस्टलाइन। वो ये कह रहे हैं कि डिसइंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि जब एक गोली को उसके एक ख़ास मीडियम में रखा जाए तो वो टूट फूट का शिकार होना और फैलना और हल होना शुरू हो जाए, उसको बोलेंगे डिसइंटीग्रेशन। तो हम जो भी गोली खाएंगे उसका एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए हल होने का, ठीक है। तो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट भी होते हैं लैब के अंदर गोली बनाने के बाद, तो फिर ये चेक किया जाता है कि ये गोली कितनी देर में हल होगी, कितनी देर में अपना असर शुरू कर देगी। तो इसके लिए ख़ास किस्म के सब्सटेंस भी इस्तेमाल किए जाते हैं जो क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेशन करवाते हैं टैबलेट की। अच्छा, अब डिसइंटीग्रेशन कहाँ होनी है, स्टमक में या लार्ज इंटेस्टाइन में? तो फिर क्या किया जाता है कि जो स्टमक का एनवायरनमेंट है ना, स्टमक की पीएच, स्टमक का टेम्परेचर, स्टमक का एंजाइम, स्टमक के सिक्रीशंस, वो सब को लिया जाता है और लेके फिर उसमें गोली को रखा जाता है और फिर ये इंटीग्रेटर इस्तेमाल किया जाता है ताकि इस स्टमक के एनवायरनमेंट के अंदर ये गोली इतनी देर में हल हो जाए। तो ख़ास किस्म के डिसइंटीग्रेटर हर गोली कैप्सूल में डाले जाते हैं। इसे कौन कौन से नॉर्मली इस्तेमाल किए जाते हैं डिसइंटीग्रेटर, वो है स्टार्च, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, सोडियम एल्गिनेट, आलजिनिक एसिड। ये वाले वो डिसइंटीग्रेंट एजेंट हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है लुब्रिकेंट, प्रिवेंट टैबलेट इंग्रेडिएंट फ्रॉम स्टिकिंग टू पंचेज एंड डाइज ड्यूरिंग प्रोटेक्शन एंड असिस्ट स्मूथ टैबलेट फॉर्मेशंस। अच्छा, एंटी एडहेरेंट भी डाले जाते हैं, मतलब ऐसा ना हो कि गोली को जब बना रहे हैं उसको ख़ास शक्ल दे रहे हैं तो वो डाई के साथ चिपक जाए, ऐसा ना हो कि वो गोली डिब्बी के साथ चिपक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए ख़ास किस्म के लुब्रिकेंट या एंटी एडहेरेंट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइडेंट्स, यूज इन टैबलेट्स एंड कैप्सूल फॉर्मुलेशन टू इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल वो ये कह रहा है ग्लाइडेंट जो है ये किसी भी कैप्सूल के फ्लो को जो है वो बढ़ाता है, उसके फ्लो को बढ़ेगा, उसकी बाइंडिंग में आसानी होगी। तो कौन कौन से ग्लाइडेंट इस्तेमाल होते हैं, नंबर वन कोलाइडल सिलिका, कॉर्न स्टार्च और टाक। ये कुछ ऐसे ग्लाइडेंट हैं जो प्रेपरेशन में इस्तेमाल होते हैं। फिर आता है सर्फेक्टेंट, फिर आता क्या है, सर्फेक्टेंट या सरफेस एक्टिव एजेंट। सर्फेक्टेंट में भी सर्फेक्टेंट में भी डिफाइन एज द सब्सटेंस व्हिच व्हेन एडेड टू अ लिक्विड लोअर द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू फेसेस। वो ये कह रहा है कि सर्फेक्टेंट ऐसा सब्सटेंस होता है जब उसको किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मिक्स किया जाता है तो दो जो सॉल्यूशंस होते हैं उनकी आपस की जो इंटरफेशियल टेंशन है वो कम हो जाती है। द फिनोमिना इज कॉमनली यूज टू मेक टू इमिसिबल लिक्विड मिसिबल विद ईच अदर एंड टू डिसॉल्व द ड्रग। और ये जो फिनोमिना है, मतलब बिलफर्ज अगर मैं आपको ये बताऊं कि पेट्रोल जैसे ऑयल है, पानी में इस्तेमाल, पानी में हल नहीं होता, ऑयल पानी में हल नहीं होता। अच्छा, अगर मैं आपको एक ऐसी चीज़ दे दूँ जो ऑयल को पानी में हल करवा दे, उसको हम बोलेंगे सर्फेक्टेंट, ठीक है जी। अच्छा, बाज़ उकात ये हम ये सर्फेक्टेंट इस्तेमाल क्यों करते हैं, बाज़ उकात हमारे कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट कुछ वहीकल्स के अंदर मिक्स नहीं हो रहे होते, तो फिर हम क्या करते हैं वहाँ पर सर्फेक्टेंट्स को डालते हैं, जिससे क्या होता है कि वो एक्टिव इंग्रेडिएंट वहीकल के अंदर मिक्स हो जाता है और हमारी प्रेपरेशन तैयार हो जाती है।
द मॉलिक्यूल ऑफ द सर्फेक्टेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, पोलर पार्ट एंड नॉन पोलर पार्ट। व्हेन सच मॉलिक्यूल आर प्लेस इन टू फेजेस ऑफ डिफरेंट पोलैरिटीज, द पोलर पार्ट मूव टुवर्ड द हायर पोलैरिटी फेज व्हाइल नॉन पोलर पार्ट मूव टुवर्ड द लोअर पोलैरिटी फेज एंड दे आर अब्सॉर्ब एट द इंटरफेस। तो होता इसमें क्या है, वो ये बता रहे हैं कि जो सर्फेक्टेंट होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं, एक पोलर होता है एक नॉन पोलर होता है। अच्छा, एक चीज़ पोलर है एक नॉन पोलर है, क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें, इसीलिए तो आपस में मिक्स नहीं हो रही ना, दो सब्सटेंसेस, दो सॉल्यूशंस। तो जो सर्फेक्टेंट का पोलर पार्ट होगा वो पोलर पर जाके मिक्स हो जाएगा, और जो नॉन पोलर पार्ट होगा वो दूसरी तरफ जाके मिक्स हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि पोलर और नॉन पोलर आपस में जब मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होने से क्या होगा, वो पूरे का पूरा सॉल्यूशंस को एक मिक्सचर बना देगा। क्लासिफिकेशंस ऑफ सर्फेक्टेंट, एनियोनिक सर्फेक्टेंट्स, एनियोनिक सर्फेक्टेंट। सेकंड है कैटायोनिक सर्फेक्टेंट्स। नंबर थ्री है नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स। सल्फेटेड कंपाउंड लाइक सोडियम लोरियाइल, लोरियाइल सल्फेट, सोडियम सिटाइल सल्फेट, डाइऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सीनेट, बेंजाइलकोनियम क्लोराइड, ग्लिसराइल मोनोस्टेरिएट, स्पैंस एंड ट्वीन्स। ये कुछ नाम हैं, एग्जांपल्स हैं किसकी, सर्फेक्टेंट्स। उसके बाद आता है हाइड्रोक्लोराइड्स, हाइड्रोक्लोराइड्स। दीज आर हाई मॉलिक्यूलर वेट सॉलिड सब्सटेंस विच वन एडेड टू वाटर प्रोड्यूस हाई विस्कस सॉल्यूशन सस्पेंशन और जेल्स। ये जो सस्पेंडिंग एजेंट हैं ये हाई मॉलिक्यूलर वेट सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, और जब इनको वाटर के अंदर मिक्स किया जाता है तो ये क्या करते हैं, विस्कस सॉल्यूशन बना देते हैं। विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट यूज टू रिड्यूस सेडिमेंटेशन रेट ऑफ पार्टिकल्स इन व्हीकल। तो जो विस्कोसिटी को बढ़ाने का एजेंट होता है, बेसिकली उसको सेडिमेंटेशन का जो रेट है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज गम्स एंड कंसिस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन्स। तो ये इनको गम भी कहा जाता है, और ये पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन इन नेचर होते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन अगर देखें तो नेचुरल है, सेमी सिंथेटिक है, और सिंथेटिक इन नेचर होती है। अच्छा, नेचुरल की अब कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, वो है एकेशिया गम, ट्रेगागंथ गम, एग, जेलेटिन, कसीन, सिलिका, कोलाइडल एलुमिना, बेंटोनाइट एंड वी जम। फिर आता सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज। सिंथेटिक ओनली अ फ्यू यूज कार्बोपोल एंड पोलियोक्स। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं किसकी, सस्पेंडिंग एजेंट्स। फिर आता है स्टेबलाइजर, स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाला। अच्छा, स्टेबिलिटी से आपको पता चल रहा होगा कि किसी भी चीज़ की शक्ल को, सूरत को, चीज़ों को बरकरार रखने वाला। द कैपेबिलिटी ऑफ अ फार्मुलेशन इन अ स्पेसिफिक कंटेनर टू रिमेन विद इन द फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, थेरापेटिक एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन। वो ये कह रहा है कि एक फार्मुलेशन, एक प्रेपरेशन जो हमने तैयार की है, उसको उसकी लिमिट्स में रखना, उसकी फिजिकल लिमिट्स, मतलब जो रंग है वही रहे, जो टेस्ट है वही रहे, जो खुशबू है वही रहे, ये फिजिकल, फिजियोलॉजिकल लिमिट्स होंगी, फिजिकल लिमिट्स होंगी। फिर फार्माकोलॉजिकल लिमिट्स, मतलब जिस चीज़ का उसने फ़ायदा पहुँचाना है वही पहुँचाए, ये ना हो कि पड़ा पड़ा ख़राब हो जाए और फ़ायदा पहुँचाने के बजाय नुकसान पहुँचा दे। केमिकल लिमिट्स, मतलब जो केमिकल फार्मुलेशन हमने बनाई थी वो उसमें ही रहे, मतलब अगर हमने NaCl सोडियम क्लोराइड बनाया था तो वो NaCl ही रहे, ऐसा ना हो कि सोडियम अलग हो जाए, क्लोराइड अलग हो जाए, फ़ायदा। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजिकल, मतलब उसमें कोई माइक्रोब्स ग्रो नहीं करने चाहिए। थेरापेटिकल, टॉक्सिकोलॉजिकल, और उसको बिल्कुल टॉक्सिकोलॉजिकल लिमिट्स होनी चाहिए उसकी, मतलब एक चीज़ है वो कितना नुकसान पहुँचाती है, कितनी जहरीली है, ये टॉक्सिकोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन कहलाता है।
तो ये ना हो कि हमने जो चीज़ जब बनाई थी तब उसका नुकसान ज़ीरो था, 0% था ना, लेकिन जब वो पड़ी रही तो फिर उसका जो नुकसान है, किसी को कोई इसको पिएगा तो मे बी उसको 50% चांस है एलर्जी हो जाएगी, कोई पेट ख़राब हो जाएगा, तो फ़ायदा तो ना हुआ उसका। तो ये स्टेबिलिटी उसकी जो है वो पूरी की पूरी रहनी चाहिए। नेक्स्ट है एंटी ऑक्सीडेंट, प्रिवेंट डिटोरिएशन ऑफ प्रेपरेशन बाय ऑक्सीडेशन, प्रिवेंट डिटोरिएशन ऑफ प्रेपरेशन बाय ऑक्सीडेशन, मतलब एंटी ऑक्सीडेंट होना चाहिए कि उसके अंदर ऑक्सीडेशन ना हो। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। चिलेटिंग एजेंट्स, चिलेट्स नहीं बनने चाहिए, फुटकरियाँ नहीं बननी चाहिए उसकी। सब्सटेंस दैट फॉर्म स्टेबल वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स विद मेटल, दीज मेटल माइट प्रोमोट इनस्टेबिलिटी। तो वो चिलेट्स नहीं बनने चाहिए, चिलेटिंग एजेंट जो होंगे वो एडिटेट्स डाइसोडियम एक एजेंट है जिसके जरिए चिलेट्स नहीं बनते। बफरिंग एजेंट, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था, बफरिंग एजेंट पीएच को बरकरार रखते हैं, पीएच चेंज नहीं होने देते, तो बफरिंग एजेंट वो एजेंट होगा जो किसी भी सॉल्यूशन प्रेपरेशन की पीएच को चेंज नहीं होने देगा। एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव, ऐसे प्रिजर्वेटिव डाले जाएं ताकि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना कर सके उसके अंदर। यूज इन लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रेपरेशन टू प्रिवेंट और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये सेमी सॉलिड या लिक्विड के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं प्रिजर्वेटिव्स ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो सके। इमल्शन एंड सस्पेंशन मस्ट बी सूटेबली प्रिजर्व बिकॉज वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड वेरी गुड मीडियम फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड वाटर। तो वो ये कह रहा है बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स, वो ये कह रहा है कि जो इमल्शन होते हैं और जो सस्पेंशन होते हैं इनके अंदर ख़ास तौर पर हमें एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव डालने चाहिए, क्योंकि जो सस्पेंशन है, इमल्शन है, ये बहुत अच्छा मीडियम होते हैं किसी भी बैक्टीरिया को या मोल्ड्स को ग्रो करने के लिए, अपनी कॉलोनीज बढ़ाने के लिए। तो इनमें ख़ास तौर पे हमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स डालने चाहिए। जिससे ऊपर था बफरिंग एजेंट, वो हमने पढ़ा नहीं। यूज टू रिजिस्ट चेंज इन पीएच, तो पीएच को चेंज होने से रोकते हैं। और जो हमारे पास एग्जांपल है इसकी, वो है सोडियम सिट्रेट, सोडियम एसिट्रेट, पोटाशियम फॉस्फेट। फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवर देने वाले, इम्पार्ट अ प्लीजेंट फ्लेवर एंड ऑफन ऑर्डर टू अ प्रेपरेशन एंड टू मास्क स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेस्ट ऑफ द प्रेपरेशन दस मेक द मोर पैलेटेबल। वो ये कह रहा है कि किसी भी प्रेपरेशन का या किसी भी सॉल्यूशन का अपना टेस्ट ख़त्म करके एक प्लीजेंट, अच्छा टेस्ट मुहैया करने वाला जो एजेंट होगा उसको फ्लेवरिंग एजेंट बोलेंगे, ठीक है। और वो जो एजेंट टेस्ट हो सकता है वो चेरी का हो सकता है, बनाना का हो सकता है, एप्पल का हो सकता है, पेपरमिंट का हो सकता है, लेमन का हो सकता है, ऑरेंज का हो सकता है, रोज़, वैनिला, किसी चीज़ का भी हो सकता है, ठीक है जी। फिर आएगा स्वीटिंग एजेंट, यूज टू इम्पार्ट स्वीटनेस टू अ प्रेपरेशन एंड मार्क्स द ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट ऑफ द ड्रग। अच्छा, किसी भी ड्रग का ऐसा टेस्ट ख़त्म किया जाए जो पसंद ना हो और उसको स्वीट कर दे, वो स्वीटनिंग एजेंट होगा। इसमें जो हम यूज़ करते हैं वो सुक्रोज है, लैक्टोज है, मैनिटोल है, हनी, शहद है, ग्लाइसरीन है, सॉर्बिटोल है, एस्पार्टेट है। फिर है कलरिंग एजेंट, सब्सटेंस यूज टू इम्पार्ट कलर टू लिक्विड एंड सॉलिड प्रेपरेशन। सब्सटेंसेस यूज टू इम्पार्ट कलर टू लिक्विड एंड सॉलिड प्रेपरेशन, किसी भी लिक्विड या सॉलिड प्रेपरेशन को कोई अच्छा सा कलर दे देने वाला जो चीज़ होगी, सब्सटेंस होगा, उसको क्या बोलेंगे, कलरिंग एजेंट। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आती है फेरिक ऑक्साइड की, कैरामल की, क्लोरोफिल की, कैरोटिनॉइड की, एफडी एंड सी कलर्स की। तो ये हमारे एडिटिव्स थे जो आज हमने पढ़े हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा डोजेज फॉर्म क्या होती है, कोई भी ऐसी शक्ल, केमिकल, किसी भी केमिकल की ऐसी शक्ल जिसको प्रॉपर एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तैयार किया जाए और जिसको ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए एक पेशेंट को दिया जाए ताकि वो खाए और हमारे मतलूबा नतज हासिल हों। नेक्स्ट है फिर एक्सीपियंट्स, वहीकल का हमने पढ़ा, वहीकल क्या होती है, कोई भी चीज़ जिसमें डालकर मेडिसिन खिलाई जाए। डाइलुएंट क्या होते हैं, जिससे बल्क बनाया जाए, बाइंडर जो उस पाउडर को जोड़ दे,
टैबलेट डिसइंटीग्रेटर ताकि जिस्म में जाने के बाद टैबलेट हल हो जाए, लुब्रिकेंट वो होंगे ताकि जिसकी वजह से कोई भी चीज़ चिपक ना सके किसी भी चीज़ के साथ, फिर होंगे सर्फेक्टेंट्स, फिर हमारे हाइड्रोक्लोराइड सस्पेंडिंग एजेंट्स, फिर स्टेबलाइजर है, स्टेबिलिटी एंटीऑक्सीडेंट्स एंड चिलेटिंग एजेंट, चिलेट ना बनाए, बफरिंग एजेंट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और कलरिंग एजेंट्स। ये सारे के सारे हमारे क्या थे, ये सारे के सारे हैं हमारे एडिटिव्स जो कि हम अपनी प्रेपरेशंस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, इसमें कुछ भी पूछना हो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, ईमेल पे भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपका आज का लेक्चर समझ भी आ गया होगा। मेरी तरफ़ से आज फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर 6 इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालदेन का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।